हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने हीरो की दो प्रीमियम बाइक खड़ी है। इस साइड देख सकते हैं आपको हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल और इस साइड आप देख सकते हैं हीरो ग्लैमर स्टैंडर्ड मॉडल है। तो आज हम लोग इन दोनों बाइक का फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इन दोनों बाइक में आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट होने वाला है। और अगर आप इन दोनों बाइक में किसी भी बाइक को लेना चाहते हैं तो आपका ओपिनियन कितना ज़्यादा सही होने वाला है उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस बाइक में जो भी चेंजेस किए गए हैं फीचर्स के मामले में, चाहे इस बाइक का प्राइस हो, इस बाइक में आपको कितना ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक के रिलेटेड इस बाइक के में आपको कितना ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और दोनों ही बाइक में आपको क्या प्राइस डिफरेंस रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑटोमोबाइक्स हीरो का, जिस वजह से मैं आपको इस बाइक का डिटेल्ड कंपैरिजन दे पा रहा हूँ। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी बाइक को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं दोनों ही बाइक में और इस बाइक में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी कलर है आपको पसंद है वो आप शोरूम विजिट करके कोई भी कलर को आप चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों बाइक के बीच में प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको 4000 का प्राइस डिफरेंस रखा गया है। इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 97000 में देखने को मिल जाएगा और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 1,02,000 में देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों बाइक में आपको टोटल 4000 का प्राइस डिफरेंस रखा गया है। उस हिसाब से इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस बाइक में आपको 4000 ज़्यादा पे करके इस बाइक को आपको ले लेना चाहिए या फिर आपको कम 4000 पे करके आपको इस बाइक की ओर जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों बाइक के हम लोग सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इन दोनों बाइक के बीच में जो भी डिफरेंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों बाइक के सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक का रियर टायर हो चाहे आपको फ्रंट टायर हो, दोनों ही टायर सेक्शन आपको टोटली सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बाइक का आपको इंजन 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इन दोनों बाइक में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। इन दोनों बाइक का आप सीट देख सकते हैं, दोनों ही बाइक में आपको सिमिलर सीट देखने को मिल जाएगा। इन दोनों बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रखा गया है, बट इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा कम स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और आप स्टैंडर्ड मॉडल की तरफ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टीयरिंग दिया गया है। इन दोनों बाइक के रियर सेक्शन के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको रियर में एच शेप में आपको टेल लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, एलईडी टेल लाइट्स, और दोनों ही बाइक का रियर सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। रियर टायर भी आपको टोटली सिमिलर देखने को मिलेगा। आप इस साइड से दोनों का ग्रैब रेल्स देख सकते हैं, दोनों ही बाइक में आपको ग्रैब रेल्स भी आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों बाइक में आपको साड़ी गार्ड और लेडीज़ फुटरेस्ट दोनों ही मिल जाते हैं और दोनों ही बाइक में आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। तो मैंने इन दोनों बाइक का जो भी सिमिलैरिटीज़ था उसको आपको बता दिया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते और इस बाइक के हम लोग मेन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं और इन दोनों बाइक में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों बाइक के फ्रंट के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक का फ्रंट देख सकते हैं, इस बाइक में आपको फुल्ली हेलोजन लाइट सेटअप दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 पीस DRL लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। और इस बाइक की तरफ देखें तो इसमें आपको फुल्ली LED लाइट सेटअप दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको LED में आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं। जो कि मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप दोनों ही बाइक को देख सकते हैं कि इन दोनों बाइक में आपको लाइट का इल्यूमिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग एक्सटेक को चालू करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके फ्रंट से। तो आप इस बाइक का फ्रंट लाइट देख सकते हैं जो कि आपको फुली LED में मिलता है और इसका आप इल्यूमिनेशन देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। ये जो आप नीचे देख सकते हैं जो कि आपका लो बीम रखा गया है और ऊपर वाला आपको हाई बीम देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक बार जला के मैं दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा इल्यूमिनेशन मिलने वाला है और आप रात को भी इस बाइक को चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं आपको LED में आपको DRLs दिया गया है। इस बाइक में आपको हेलोजन में इंडिकेटर्स ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इसका हेलोजन इंडिकेटर्स को आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइट देने वाला है। इस बाइक की तरफ देखें तो इस बाइक को मैं आपको एक बार चालू करके फिर से दिखा देता हूं, जो कि इसमें आपको फुल्ली हेलोजन लाइट सेटअप दिया गया है। इस बाइक को आप फ्रंट से देख सकते हैं, जो कि इसमें फ्रंट में आपको फुल्ली हेलोजन लाइट सेटअप दिया गया है। इस बाइक का भी इल्यूमिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है और इस बाइक को भी आप रात में चलाने में आपको अभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजन में भी आपको DRL लाइट्स दिया गया है। इस बाइक में आपको जो भी इंडिकेटर्स दिया गया है वो भी आपको हेलोजन में ही दिया गया है। इस बाइक का ये इंडिकेटर्स आपको फ्लेक्सिबल नहीं देखने को मिलते हैं। इन दोनों बाइक के मेन डिफरेंस के बारे में बात करें जो कि इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इस बाइक में आपको कहीं भी साइड स्टैंड कटअप सेंसर नहीं दिया गया है।
इन दोनों बाइक के अगले डिफरेंस के बारे में बात करें, जो कि इन दोनों बाइक का आपको मेन डिफरेंस बोल सकते हैं जो कि इस बाइक का आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है। तो मैं इन दोनों बाइक का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फीचर्स बताने वाला हूं, जो कि आपको पता चलने वाला है कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इसके मीटर कंसोल में और इस बाइक के मीटर कंसोल में आपको क्या क्या फीचर्स दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एक्सटेक के बारे में बात करें, आप इसका मीटर कंसोल को देख सकते हैं, आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि आपको ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है जो कि 125 सीसी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। और इसमें मेन जो फीचर्स है और एडवांस फीचर है जो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाते हैं, आपको रियल टाइम इफिशियंसी देखने को मिल जाता है, रियल टाइम आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको इको मोड भी दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिस वजह से इस बाइक का सेलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है नॉर्मल ग्लैम्बर की वजह से। इधर आप देखते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन दिया गया, इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का इंडिकेशन, इधर आपको इंजन मल फंक्शन का इंडिकेशन, आपको न्यूट्रल इंडिकेशन, और साथ साथ इसमें आपको पासिंग का इंडिकेशन आपको दिया गया है, और इधर आप देखें तो साइड स्टैंड का इंडिकेशन भी दिया गया, जो कि मैं आपको साइड स्टैंड एक बार लगा के आपको दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं आपको रेड कलर में आपको साइड स्टैंड इंडिकेशन भी दिया गया है। इस बाइक में आपको चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहां से नीचे की ओर देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा यहां पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, बट आपको नॉर्मल ग्लैम्बर में आपको कहीं भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ इस बाइक में आपको बैक एंगल सेंसर भी दिया गया है, अगर आपका बाइक सडनली गिर जाए एक साइडेड तो ऑटोमेटिक ये बाइक आपका बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके स्टैंडर्ड मॉडल में उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या फीचर्स दिया गया है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं, आपको सेमी डिजिटल में इसका मीटर कंसोल मिलने वाला है, इधर आपको डिजिटल और इधर आपको एनालॉग में दिया गया है, जो कि आप इसका एनालॉग में देख सकते हैं आरपीएम मीटर, और साथ ही साथ इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, बट इस बाइक में आपको कहीं भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता है, रियल टाइम इफिशियंसी नहीं मिलता है, रियल टाइम आपको माइलेज इस बाइक में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। उस हिसाब से इस बाइक में थोड़ा सा आपको प्राइस कम लगता है, जो कि आपको 4000 का प्राइस इस बाइक में आपको कम लगने वाला है। इधर आप देख सकते हैं सेट रीसेट, आपको ट्रिप वन ट्रिप टू का ऑप्शन दिया गया है, इधर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन दिया गया है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न का इंडिकेशन, न्यूट्रल इंडिकेशन, आपको पासिंग का इंडिकेशन दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंजन मल फंक्शन का इंडिकेशन दिया गया है। तो इंडिकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ा सा आपको फीचर्स कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटेक मॉडल। इस बाइक का स्विच गियर क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको स्विच गियर क्वालिटी लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, स्विच गियर क्वालिटी में आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक में आपको ड्रम वेरिएंट्स और डिस्क वेरिएंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो भी पसंद है उस बाइक को आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला, जो कि आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, जिस हिसाब से आपका नीचे सटने का चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इन दोनों बाइक के सीट हाइट के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको 793 mm का सीट हाइट दिया गया है, तो अगर आपका हाइट 5.6 इंचेज है तो ऑफकोर्स आप इस बाइक को चला सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको 55 टू 60 kmpl का माइलेज आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, अगर आप इस बाइक को अच्छे से राइड करते हैं तो। इन दोनों बाइक के इंजन के बारे में बात कर ले तो दोनों ही बाइक में आपको 125 cc का इंजन दिया गया है, क्योंकि इंजन में आपको टोटली सिमिलर इंजन मिलने वाला है। दोनों ही बाइक में आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको टोटली FI इंजन BS6 कंप्लाइंट के साथ देखने को मिल जाते हैं। पावर आपको 10.7 bhp का पावर जनरेट कर देता है और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करने वाला है इन दोनों बाइक के इंजन से। तो इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और काफ़ी ज़्यादा आपको रिफाइंड इंजन मिलता है, जिस हिसाब से इस बाइक में आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम लोग जस्ट इस बाइक का आपको एग्जॉस्ट नॉट को भी सुनाने वाले हैं, उससे आपको पता चलने वाला है कि इस बाइक के इंजन में आपको कितना ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक आपको सेम इंजन मिलता है, इस हिसाब से मैं आपको एक्सटेक का एग्जॉस्ट नॉट को सुनाने वाला हूँ, तो आप दोनों ही बाइक को आप एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेक को चालू कर लेते हैं, उससे पहले कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यूट्रल किया गया है, इधर आप देख सकते हैं आपको सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको जस्ट इस बाइक के एग्जॉस्ट नॉट को सुनाता हूँ। तो गाइस जस्ट आपने इस बाइक के एग्जॉस्ट नॉट को सुना, जो कि एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी ज़्यादा आपको रिफाइंड मिलता है और आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलते हैं। शायद आपको टॉप एंड में आपको माइनर सा फुटरेस्ट पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो गाइस मैंने इन दोनों बाइक का जो भी कंपैरिजन था वो आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है, जिस हिसाब से इन दोनों बाइक में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजिली क्लियर होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।